एमपी के पुनासा में सिंगाजी ताज परियोजना मैन गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना रविवार को भूख हड़ताल में बदल गया था। वहीं आचार संहिता का पालन करवाने और धरना समाप्त करने के लिए मुंदी तहसीलदार, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, बीड धरना स्थल पर पहुंचे। मुख्य अभियंता को बुलाया गया और वैकेंसी रद्द करने पर भी सहमति बनी। सिंगाजी ताप परियोजना की मैन गेट के सामने शुक्रवार से जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के पुत्र वैकेंसी में आरक्षण को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे। रविवार को ये धरना भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। वहीं जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह चौहान, कांग्रेस नेता राज बहादुर राठौर के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और धरने को समर्थन दिया। जी, आपके द्वारा क्या चर्चा की गई? अभी सी साहब, तहसीलदार मैम, टीआई साहब, मुंदी टीआई साहब, भीड़ सभी की टीम आई, बच्चों से चर्चा की। हमने भी चर्चा की, जो बच्चों की मांग थी उनके सामने रख दी कि भाई जो 30% आरक्षण इन्होंने अपनी नौकरी में दिया था वो आरक्षण इनको मिलना चाहिए। अभी तहसीलदार मैडम आई थी और टीआई साहब आए थे, चौकी प्रभारी जी आए थे और प्लांट से सी साहब आए थे, सुरक्षा अधिकारी जी भी आए थे। तो अभी हमारा एक आश्वासन उनने दिया है कि हम अभी 2-3 घंटे बाद जवाब देंगे, और हमने भी उनको बोला है कि भाई हम भी 5 बजे तक जवाब देते हैं, भाई हमारे को क्या आगे कदम उठाना पड़ेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।